Hello everyone, a very good morning to all of you. So there is the good news for all these SEBI aspirants जो last year से wait कर रहे हैं कि SEBI की notification अब आएगी. अब SEBI की notification तो नहीं आई, लेकिन SEBI के छोटे भाई की notification जरूर आ गई है, that is IFSCA. तो जो students नहीं जानते IFSCA क्या है, IFSCA is a regulatory authority like RBI, SEBI, NABARD. It regulates financial products, financial services, financial institutions and IFSC. तो हमारा IFSCA क्या है? That is International Financial Service Center Authority, जो कि financial products, services को regulate करता है, जैसा हमारा RBI, SEBI, NABARD वगैरह करते हैं. तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो इतने टाइम से SEBI की प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, अब उनको थोड़ा सा और पढ़ लेना है और इस एग्जाम को क्रैक कर लेना है. तो डिटेल में आपके साथ नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेता हूं. देखो, जो हमारी डेट्स हैं, एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं फ्रॉम 11 फरवरी टू लास्ट डेट है हमारी 3 मार्च. ठीक, जो हमारे एग्जाम्स होंगे वो होंगे मार्च या अप्रैल में टेंटेटिवली, एंड सिमिलरली फेज टू होगा अप्रैल एंड मई में. तो ऑलमोस्ट हमारे पास अराउंड 1 मंथ है. अब आपको ये नहीं सोचना कि हमारे पास सिर्फ 1 महीना है तो हमसे क्रैक नहीं होगा. सो जैसे आपको इंफॉर्मेशन अभी मिल रही है, बाकी स्टूडेंट्स को भी इंफॉर्मेशन अभी मिल रही होगी. तो इट्स ओनली डिपेंड कि आप अपना नेक्स्ट 1 मंथ कैसे स्टडी करते हो. जो इस नेक्स्ट मंथ 1 मंथ को अच्छे से यूटिलाइज करेगा स्टूडेंट, वो इस एग्जाम को क्रैक कर ले जाएगा. ठीक है, और ऑलरेडी आपने बहुत ज्यादा इसका SEBI में कवर कर रखा है. ठीक, चले फिर उसके बाद इंटरव्यूज होंगे जिसकी डेट बाद में अनाउंस होंगी. अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो टोटल हमारे पास 20 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 10 हमारी अनरिजर्व्ड है, 5 ओबीसी, 3 एसटी, 1 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस, टोटल हो गई हमारी 20 वैकेंसीज. अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मास्टर्स डिग्री इन स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपका मेजर फाइनेंस होना चाहिए, एंड इकोनोमेट्रिक्स, या फिर बैचलर्स डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर अगर आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी है इन कॉमर्स, दैट मींस अगर आपने बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम किया है, साथ में कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है लाइक CA, CFA, CS, ICWA, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो. और बात करूं तो बैचलर्स डिग्री इन लॉ एंड अदर डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं. बट एक पॉइंट का हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है तो वो तब भी कंसिडर्ड होगा अगर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है वो इक्विवेलेंट है मास्टर्स डिग्री के. ठीक, तो वो आपको प्रूफ करना होगा कि हां जी, हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इक्विवेलेंट माना जाता है मास्टर्स डिग्री में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक, अगर एज लिमिट की बात करूं तो जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज 30 ईयर्स एज ऑन 1 फरवरी 2023. एज रिलैक्सेशंस अवेलेबल है जो कि है हमारे पास 5 ईयर्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स, फिर हमारा 3 ईयर्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स, फिर याद रखना है ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर्स ही अलाउड है, क्रीमी लेयर्स नहीं है. 10 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स. एडवांटेज है अगर आप पीडब्ल्यूडी हो प्लस ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपकी एज रिलैक्सेशन हो जाएगी 13 ईयर्स, अगर आप पीडब्ल्यूडी हो एससी एसटी हो तो एज रिलैक्सेशन हो जाएगी आपकी 15 ईयर्स. ठीक, अगर बात कर लूं एग्जामिनेशन की तो टोटल 3 फेजेस रहने वाले हैं. फर्स्ट फेज, फिर हमारा सेकेंड फेज, फिर उसके बाद थर्ड फेज, दैट इज इंटरव्यू. अगर डिटेल में जाऊं तो फेज 1 में हमारे 2 पेपर्स रहेंगे, और फेज 1 जैसा कि हमारा SEBI में होता था, यहां पे भी सिर्फ क्वालिफाइंग है. ठीक, तो फेज 1 भी हमारा क्वालिफाइंग है. देखो, फेज 1 के पेपर 1 में वही 4 टॉपिक्स हमारे जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, 20-25 क्वेश्चंस आने वाले हैं सबसे, तो 100 क्वेश्चंस होंगे
100 मार्क्स के, ये हम ऑलरेडी सेबी वगैरह में प्रिपेयर करते रहते थे। अगर हाँ आप आरबीएस सेबी वगैरह आरबीए के लिए भी पढ़ रहे थे तो ये भी आपका कवर्ड है। इसके लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट, ठीक। और अगर पेपर टू की बात करूं तो पेपर टू में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ईएसआई, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, फाइव ईयर प्लान्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, इन सबसे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब ये 50 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे तो टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स, ठीक। तो टोटल 200 मार्क्स का है हमारा फेज वन, जिसमें पेपर 100 मार्क्स का, पेपर 200 मार्क्स का। पेपर वन में 100 क्वेश्चंस, पेपर टू में 50 क्वेश्चंस। अब सिलेबस देख के स्टूडेंट्स घबराना मत, मैक्सिमम प्लेस स्टूडेंट्स ने जो सेबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी सेबी में, कुछ और पढ़नी है यहाँ पे, ठीक। अब एक और गुड न्यूज दे देता हूं, ये पेपर हमारा जैसे मैंने बताया क्वालिफाइंग है, तो आपको सिर्फ पेपर वन में 30% मिनिमम मार्क्स लाने हैं, पेपर टू में 40% लाने हैं और एग्रीगेट टोटल भी हमारा 40% क्रॉस करना चाहिए, ठीक। तो अगर ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ नहीं हुआ कवर तो आप पास नहीं कर पाओगे, तो आपको सिर्फ 40% स्कोर करना है मिनिमम पेपर टू के अंदर, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे नेक्स्ट फेज के लिए, ठीक। बट याद रखना है यहां पे फिर डिडक्शन है हमारे पास, वो है जो हमारी नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/4 मार्क्स की। और याद रखना है जो फेज वन के मार्क्स होंगे, तो एडवांटेज है आपके लिए, जो फेज वन के मार्क्स होंगे वो फेज टू में नहीं देखे जाएंगे, या फिर जब मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी फाइनल ईयर की, फाइनल की, तो उसमें भी आपके फेज वन के मार्क्स इंक्लूड नहीं होने वाले हैं। तो एडवांटेजेस पॉइंट है कि अगर हमने सारा कवर भी नहीं किया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है थोड़ा बहुत पढ़ के इसे क्वालिफाई करने ना। आई थिंक अगर आप सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये तो आपके लिए बहुत ही इजी बात है, ठीक। फिर जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनको अब देना होगा फेज टू। फेज टू में एज सिमिलर दो फेज पेपर, पेपर वन जो कि हमारा डिस्क्रिप्टिव हो गया, डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास तीन चीज आ रही है, दैट इज प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग और कॉम्प्रीहेंशन। तो 100 मार्क्स का होगा 60 मिनट्स का। और फेज टू के अंदर अब यहां पे थोड़ा सा सिलेबस का चेंज है, दैट इज आईएफएससी एक्ट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन, विलियन, गिफ्ट सिटी और ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर। इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के। अब यहां पे आपको थोड़ा फोकस कर लेना है, इन स्टडी सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा पढ़ लेना है और तब आपका देखो ऑलरेडी आपके सेम से लिंक है तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और आप इजिली इसे भी कवर कर लोगे, ठीक। अगर मैं बात करूं अपना कट ऑफ की तो हमारा मिनिमम आपको पेपर वन में लाने 30%, सिमिलरली पेपर टू में लाने 40% और जो आपका एग्रीगेट होगा वो भी होगा 40%, ठीक। अब याद रखना ये क्वालिफाइंग नहीं है, इसके बेसिस में जो मार्क्स आएंगे जो 1/3 इंपॉर्टेंस है वो दी जाएगी पेपर वन को और 2/3 इंपॉर्टेंस दी जाएगी पेपर टू को, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। अब इंपॉर्टेंट यहां पे है, यहां पे सारा कंपटीशन है, ओनली 3 times इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, मींस अगर 20 पोजीशंस हैं तो 60 स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू, तो 60 स्टूडेंट्स का हमारा इंटरव्यू होगा, ठीक। इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल लिस्ट प्रिपेयर होगी जिसमें 85% फेज टू के मार्क्स इन्वॉल्व होंगे और 15% जो वेटेज होगी वो होगी हमारी इंटरव्यू की। तो आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है अभी फेज टू पे, क्योंकि फेज वन आप जल्दी से पढ़ के आई थिंक क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो ऑलरेडी आप सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैक्सिमम मेरे को लगता है कि आपका फेज टू की प्रिपरेशन तो ऑलरेडी हो चुकी होगी। और एक नजर हम डाल लेते हैं पे स्केल के ऊपर भी, तो जो बेसिक पे दिखा जा रहा है वो लिखा हुआ है 1,43,000 प्लस आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट हो जाती है सेबी की कंपेयर में भी अगर हम देखें तो, ये बहुत ही अच्छा पे स्केल है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, ठीक। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस नीचे दे रखी हैं, अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बाकी इंफॉर्मेशन, बाकी सेशंस में आपके लिए इस चैनल में ऑन डेली बेसिस या फिर वीकली जैसे भी होगा वो आपके साथ लाता रहूंगा।
ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय. टेक केयर. ऑल द बेस्ट.